हेलो गाइस, इन्वेस्टमेंट ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो है आईपीओ। आईपीओ के थ्रू दोस्तों आप शेयर मार्केट से कुछ ही दिनों के अंदर एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, अगर वो आईपीओ अच्छा है। आईपीओ के अंदर दोस्तों कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, प्रीवियस ईयर्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ये सारी चीज़ें देखकर अगर हम एक सही आईपीओ को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके अंदर पैसा लगा देते हैं, तो दोस्तों बहुत कम टाइम पीरियड में, एक महीने से भी कम के टाइम पीरियड में, हम अपने पैसे को डबल या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आज एक ऐसे ही आईपीओ के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, जिसे आप दोस्तों खरीद सकते हैं। इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और ये कंपनी आपको दोस्तों आपके पैसे को बढ़ाने वाली है। दोस्तों, उस कंपनी को हम पूरा एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं और थोड़ा सा बता देता हूँ कि आईपीओ क्या होता है और ये कैसे काम करता है। एक कंपनी जब अपने सामान्य स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करता है, तो उसे ही दोस्तों आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ की फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। दोस्तों, आईपीओ जारी क्यों किया जाता है? आईपीओ इसलिए जारी किया जाता है जिससे वो शेयर बाज़ार में लिस्ट हो सके। शेयर बाज़ार में लिस्ट होने के बाद कंपनी के शेयरों की खरीद शेयर बाज़ार में हो पाती है। कंपनी निवेश या दोस्तों विस्तार करने की हालत में फंडिंग इकट्ठा करने के लिए आईपीओ को जारी करती है। अब मैं लेकर चलता हूं आपको दोस्तों सीधा वेबसाइट पर, जहां हम देखेंगे उस आईपीओ को, जो अपकमिंग आईपीओ है, और वो दोस्तों फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण हमें उसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। यहां पर चांसेस आर वेरी हाई कि यहां पर आपको दोस्तों मल्टीबैगर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों, उस आईपीओ का नाम है ईशान इंटरनेशनल। ईशान इंटरनेशनल एक शानदार कंपनी है विद फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस आईपीओ के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, उसके बाद हम ईशान इंटरनेशनल किन प्रोडक्ट्स को या किन इक्विपमेंट्स को तैयार करती है दोस्तों, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप जैसा यहाँ पर देख सकते हैं, सितंबर 9 से ये आईपीओ ओपन होने वाला है। और कब तक ओपन रहेगा? 14th of September तक। यानी कि आप इस ड्यूरेशन में कभी भी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फेस वैल्यू की बात करें इस आईपीओ के, तो वो है ₹10 प्रति शेयर। और यहाँ पर जो ईशान इंटरनेशनल आईपीओ प्राइस है वो ₹80 पर शेयर है, और जो लॉट साइज़ है वो 1600 का है। ठीक है, अब इशू साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे अगर हम स्क्रॉल करें तो इशू टाइप क्या है? फिक्स्ड प्राइस इशू है। लिस्ट कहाँ पर हो रहा है? ये NSE एक्सचेंज पर लिस्ट हो रहा है। और यहाँ पर, और इसको मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसके बाद में हम इसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वो दोस्तों 65.21% है। और प्री इशू, ये पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्री इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है? 99.61% का है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईशान इंटरनेशनल ओपनिंग डेट, जैसे मैंने अभी बताया है 9 सितंबर है, क्लोजिंग डेट इसकी 14 सितंबर है। अलॉटमेंट कब होगा आपको वो पता चल जाएगा 19th of September को। और अगर अलॉटमेंट आपको नहीं मिलता है तो फिर 20 सितंबर को आपको रिफंड, आपका पैसा वापस मिल जाएगा। शेयर डीमैट अकाउंट में कब आएंगे? वो आएंगे September 21 को। और फाइनली जो ये लिस्ट हो जाएगा शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए, यानी NSE एक्सचेंज पर, वो September 22 को हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ईशान इंटरनेशनल आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी, यहाँ न्यूज़पेपर में भी दोस्तों इनके बारे में कवर किया गया है। अब ईशान इंटरनेशनल लिमिटेड इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड स्टार एक्सपोर्ट हाउसिंग है ये, और इनको इस फील्ड का जो एक्सपीरियंस है वो 26 प्लस का है। अब ये काम क्या करते हैं? 26 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन द इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री फॉर डाइवर्स मार्केट्स एंड इंडस्ट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। ईशान इंटरनेशनल लिमिटेड इज इंगेज्ड इन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स दैट फोकस ऑन सप्लाइंग मशीन्स, इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशंस, कमीशनिंग एंड ऑपरेशनल ट्रेनिंग फॉर द ग्रीन एनर्जी प्लांट्स, शुगर प्लांट्स, जैगरी प्लांट्स, फार्मास्यूटिकल प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स, कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स। तो इतने सारे वेरियस सेक्टर्स के अंदर दोस्तों ये अपनी मशीनरी प्लांट करते हैं। द कंपनी
ऑल्सो प्रोवाइड्स हाई एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सोल्यूशंस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो ये दोस्तों इस कंपनी का एक तरीके से पूरा प्रोफाइल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनली भी इनके पास में काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है। गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया के भी दोस्तों क्लाइंट्स इनके पास में अवेलेबल हैं, और वो इन कंपनीज़ के नाम हैं जहाँ पर इन ये अपने जो इंस्टॉलेशन हैं और अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करा रहे हैं। अब यहाँ पर ऑर्डर बुक भी इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 50 करोड़ प्लस की दोस्तों ऑर्डर बुक इनके पास में है इन दी नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर। अब इसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ये डोमिनेंट ब्रांड प्रेजेंस अलोंग विद दी 80% ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, यानी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर 80% डोमिनेंट है ये। कहाँ पर? साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। और गवर्नमेंट सर्टिफाइड स्टार एक्सपोर्ट हाउस है बाई इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, यानी EEPC से दोस्तों ये क्या है, सर्टिफाइड है। अब डाइवर्सिफिकेशन इन वेरियस सेक्टर एंश्योर स्टेडी रेवेन्यू, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, सस्टेनेबल एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ऑफ मिनिमम 40 to 50 करोड़ एवरी क्वार्टर, यानी हर एक क्वार्टर में 40 से 50 करोड़ का दोस्तों इनको ऑर्डर बुक मिलता है। फोकस ऑन क्वालिटी, कॉस्ट एफिशिएंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ सारी चीज़ें आप ये देख सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। इससे आगे अगर हम चलें तो फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी है इस कंपनी की, 250% क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई है, 87% क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ देखी गई है, 20% क्वार्टरली नेट एसेट यानी NAV के अंदर ग्रोथ देखी गई है, 50 करोड़ प्लस ऑर्डर बुक हैं एवरी क्वार्टर के अंदर, लो PE एंड हाई EPS ग्रोथ है ये। लो PE नॉर्मली माना जाता है उन स्टॉक्स, जिस स्टॉक का लो PE होता है उनके अंदर चांसेस आर वेरी हाई कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म फ्यूचर में करके दिखाते हैं, और हाई EPS होना चाहिए यानी अर्निंग पर शेयर जो है वो हाई होना चाहिए। ये दो पहचान है दोस्तों जिससे हम किसी भी शेयर को खरीदते हैं। लो PE पर हमें अक्सर खरीदना चाहिए शेयर्स को, और हाई EPS वाले शेयर्स पर ही हमें फोकस रखना चाहिए। कंपनी फाइनेंशियल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने टोटल एसेट्स के अंदर, रेवेन्यू के अंदर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट वर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में किस तरह से इंक्रीमेंट दिखाया है। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हैं, मार्च 19 से यानी 2019 से लेकर जैन 2022 तक यहाँ पर आप सारा देख सकते हैं किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है, चाहे वो टोटल एसेट्स की बात हो, टोटल रेवेन्यू की बात हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात हो, नेट वर्थ की बात हो, सभी के अंदर यहाँ पर एक गजब का बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। सही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल एसेट्स मार्च 19 में कितने थे, 1530.53, ये लाख में है ये दोस्तों फिगर्स, और जो दोस्तों बढ़कर मार्च जनवरी जैन 2022 तक कितने हो गए हैं, 1854.78 लाख। तो सारे पैरामीटर्स आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके जो IPO की डिटेल है वो मैंने आपको पूरी बताई दी है। अब आपको इसे कैसे अप्लाई करना है उसके लिए नीचे लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपके पास में डीमैट अकाउंट होना चाहिए, डीमैट अकाउंट के थ्रू आप इस IPO के अंदर जो है ईशान इंटरनेशनल IPO के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और यहाँ से चांसेस आर वेरी हाई कि ये IPO आपको एक अच्छी ग्रोथ देकर जाएगा। तो जल्दी से इसके अंदर अप्लाई करें, और इसके जो होने वाली हाईएस्ट लिस्टिंग है, प्रॉफिटेबिलिटी इसकी जाहिर सी बात है दोस्तों ये प्रॉफिट में ही लिस्ट होगा, तो उसका आप भी लाभ उठाएं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और मैं कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक कमेंट कर दूंगा। धन्यवाद।